हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 12 जून 2019 है। बात करते हैं 12 जून 2019 के डेली एमसीक्यू करंट अफेयर्स जीके की। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ मेरे द्वारा राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू करंट अफेयर्स जीके। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी आईसेट हैज रिलीज टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट ऑफ इंडियाज फर्स्ट टू व्हीलर सेगमेंट। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने भारत का पहला दोपहिया सेगमेंट के लिए टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी किया है। ऑप्शन ए BS6 भारत स्टेज 6, ऑप्शन बी BS4 भारत स्टेज 4, ऑप्शन सी BS5 भारत स्टेज 5, ऑप्शन डी BS7 भारत स्टेज 7। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए BS6 भारत स्टेज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या सेकंड, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर RV जानकी रमन डाइड, ही इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। पूर्व मुख्यमंत्री RV जानकी रमन का निधन हुआ है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी आसाम, ऑप्शन डी पांडुचेरी। जानकी रमन की बात की जाए तो जानकी रमन पांडुचेरी राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो ऑप्शन डी पांडुचेरी इज राइट आंसर। जानकी रमन 1996 से लेकर 2000 तक पांडुचेरी के मुख्यमंत्री रहे। वह द्रविड़ मुन्नेम कंजमम पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। क्वेश्चन संख्या थर्ड, आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड हैज एक्वायर्ड ई कॉमर्स कंपनी। आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ने किस ई कॉमर्स कंपनी का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी मिंत्रा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जयपुर। क्वेश्चन संख्या फोर, हु हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट पोजीशन इन ATP रैंकिंग। ATP रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी रोजर फेडरर, ऑप्शन डी करेन खाचानोव। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। क्वेश्चन संख्या फाइव, ट्रिपलेटी एग्रीमेंट विद फ्रेंच रेलवेज एंड AFD अब फ्रांसीसी रेलवे और AFD के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है। ऑप्शन ए IRCTC, ऑप्शन बी IRSDC ने, ऑप्शन सी ITRCC ने, ऑप्शन डी ISRTC ने। फ्रांसीसी रेलवे के और AFD के साथ त्रिपक्षीय समझौता IRSDC ने किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी IRSDC। IRSDC की बात की जाए तो इसका फुल नेम है इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और यह लगभग 7 लाख यूरो का निवेश करेगी। क्वेश्चन संख्या सिक्स, विच कंट्री हैज बैंड वन यूज प्लास्टिक फ्रॉम 2021। किस देश ने 2021 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी इंग्लैंड। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कनाडा ने।
क्वेश्चन संख्या 6, हु इज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ द 17th लोकसभा अपॉइंटेड। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी सुशील कुमार शिंदे, ऑप्शन सी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन डी राज्यवर्धन सिंह राठौड़। 17वीं लोकसभा जो कि 23 मई 2019 को चुनी गई है और जिसका शपथ ग्रहण समारोह 30 मई 2019 को हुआ है, उसके लोक प्रोटेम स्पीकर जो चुने गए हैं वह डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के बारे में बात की जाए तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से सांसद हैं और इन्हें 7वीं बार सांसद चुना गया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पिछली जो लास्ट टाइम बीजेपी गवर्नमेंट थी, यानी कि लास्ट टाइम जो 16वीं लोकसभा थी, उसमें अल्पसंख्यक मामलों और महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। क्वेश्चन संख्या 8, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आईवी रेड्डी, ऑप्शन बी आईवी सुब्बा राव, ऑप्शन सी वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन डी एम विजय शंकर, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आईवी सुब्बा राव। क्वेश्चन संख्या 9, द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम ट्रिम सीवीसी। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में अंतरिम सीवीसी किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शरद कुमार, ऑप्शन बी विजय शंकर, ऑप्शन सी विजय चौधरी, ऑप्शन डी ननोपदीज, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शरद कुमार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए शरद कुमार। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज अचीव टॉप पोजीशन इन द 100 टॉप ब्रांड रिपोर्ट ऑफ द ईयर 2019 रिलीज्ड बाय ग्लोबल मार्केट रिसर्च एजेंसी। वैश्विक बाजार अनुसंधान एजेंसी द्वारा जारी वर्ष 2019 की 100 टॉप ब्रांड रिपोर्ट में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी फेसबुक, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अमेजन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी अमेजन। मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करंट अफेयर्स जीके। साथियों, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब यूवी कंपटीशन चैनल, और साथ ही साथ हमें अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें। और साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।